भगवान शिव को प्रिय है रुद्राक्ष। जानिए कैसे हुई उसकी उत्पत्ति, इसकी क्या है रोचक कथा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। जी हां, भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु यानी कि रुद्राक्ष। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे की आखिर रोचक कथा क्या है। देखिए, सनातन धर्म में रुद्राक्ष का अधिक महत्व है। भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि रुद्राक्ष धारण करने से जातक पर देवों के देव महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी मौजूद है। आइए ऐसे में जानते हैं कि किस तरह से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई और ये भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु किस प्रकार बना। देखिए, प्राचीन कथा के अनुसार एक त्रिपुरासुर नामक दैत्य था। उसे अपनी शक्ति का अधिक घमंड था, इसलिए उसने पृथ्वी लोक के साथ देवलोक में भी हाहाकार मचा दिया था। उसे कोई भी देवी देवता और अस्त्र शस्त्र परास्त नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण देवी देवता भगवान शिव के पास अपनी प्रार्थना लेकर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को सारी अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार राक्षस ने उन्हें उर्धंग मचा रखा है। जब देवी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे तो उस दौरान भगवान महादेव योग मुद्रा में अपने नेत्रों को बंद कर तप कर रहे थे। जब प्रभु ने नेत्र खोला तब उनकी आंखों से कुछ अश्रु छलक कर धरती पर गिर गए। जी हाँ, शिव जी के इन आंसू से रुद्राक्ष के पेड़ का जन्म हुआ। ऐसी मान्यता है कि जिस जगह पर महादेव के आंसू गिरे वहां पर रुद्राक्ष का पेड़ उग आए। इसीलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव के तीसरे नेत्र का ही स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी वजह से ये भगवान शिव का एक प्रतीक भी माना जाता है। इसी तरह से आखिरकार रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष को धारण करने के कुछ नियम भी होते हैं। जी हाँ, यदि आपको रुद्राक्ष धारण करना है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं तो इसके लिए शुभ दिन श्रावण, सोमवार, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा है। रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व इसे सरसों के तेल और दूध से साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप के साथ ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। यदि आप भी रुद्राक्ष धारण करने का विचार कर रहे हैं तो इन बातों का, इन नियमों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।